यहाँ पर एसीआर साहब और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारा हकक साहब और हमारा जो तहसीलदार साहब मुश्ताक साहब और नाबी तहसीलदार साहब आया है यहाँ पे और आज उन्होंने लास्ट एक विजिट किया यहाँ पे और आज इनका लैंड का मसला था। हमने कई सालों से 2014 से इस फाइल को मैंने इनको एक वादा किया था कि 2014 से हम ये फाइल जो आगे ले जाएंगे, तो आज वो दिन आ गया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनको आने वाले टाइम में बस या 4 या 5 दिन या 10 दिन लगेंगे, इनको हम जो लैंड है जो हमने इनका वादा किया था कि लैंड का मसला है वो इनको छोड़ देंगे। तो आज खुद एसीआर साहब ने यहाँ पर ये मुसीबत जो इनका देखा है, ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास रोड है, ना इनके पास कुछ है, तो कहीं सियासतदान यहाँ पर आए इनको सियासत के, मगर आज तक किसी ने इनके फाइल जो है आगे नहीं लिया। आज इन आज आप देख लीजिए इनके चेहरे की तरफ, जो वीडियो मीडिया है आप आज देख लीजिए, बना दीजिए वीडियो इनके चेहरे की तरफ कि इनका कितना मुसीबत है कि ना इनके पास पानी है, ना इनके पास रोड है, ना इनके पास कोई सड़क था। मगर मैंने ये वादा किया था इनको 2014 में, हमने वादा किया था कि हमारी पार्टी ने इनको वादा किया था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो लैंड ये हम दिला के रहेंगे, और आज वो दिन आ गया। डीसी साहब ने भी यहाँ पर विजिट किया और एसीआर साहब ने भी आज विजिट किया। आज जो लैंड है, आज हमने ये लैंड जो है आइडेंटिफाई किया है। अब एक लिस्ट हम शाम को बनाएंगे और कितनी फैमिलीज है, अब फाइनल लिस्ट जो है आज एसीआर साहब के साथ हम बात करेंगे। इसलिए कहा कि हम अब सब जितने भी चाहे वीडियो सबको बुला के तो हम सुबह में एक मीटिंग रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आज लास्ट और फाइनल जो लिस्ट बनेगा और इनके साथ जो इंसाफ होगा वो दिया जाएगा, और इंशाल्लाह हमने ये वादा किया अगर इनको बीजेपी के दौर में ये लैंड का मसला हल नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है कि जिंदगी में इन बिचारों के साथ कभी नहीं ये मसला हल हो जाएगा। तो हमने डी साहब को जो रिक्वेस्ट किया 10-10 मलरे जो है एक एक बंदे को मिल जाएगा, चाहे वो घर में अगर माँ अगर बाप होगा तो उसका जो बेटा भी साथ में होगा तो उसको भी 10 मलरे मिलेगी, और उसका जो बाप है उसको भी 10, बेटे को भी 10 मिलेगा। 10-10 मलरे जो हमने रिकमेंड किया है डी साहब को, और उसको भी फाइल भी बनी है, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमने सब तैयार कर दिए हैं। हम दिल्ली भी चले गए, उसको भी हमने लिया, 10-10 मलरे इनके जो है वो मिल जाएंगे, और 10-10 मलरे हमने इनको वादा किया है वो देने के लिए। उसका फाइल जो है 85 किनाल जो है वो इनको डीसी साहब और सब ने मिलकर वो फाइल एक बनाई। 85 किनाल जो है वो उन्होंने अच्छी तरीके से इनका मेयर जो बनाया है, और उसमें जो पानी का है, उसमें जो टैंकी है, स्कूल है, सब उसमें आते हैं, और 10-10 मलरे जो इनके हैं वो इंशाल्लाह अलर्ट हो जाएंगे। बस अब एसीआर साहब यहाँ पर आज आए, डीसी साहब ने इनको भेजा था, और ये तहसीलदार साहब और हकक साहब उन्होंने सब आज यहाँ पर देखा है। इंशाल्लाह मैंने इनसे वादा किया है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी तरफ कोई नज़र भी नहीं देता है। अगर इनका कोई यहाँ पर कोई ताजियत पर आता है, अगर इनका कोई दोस्त होता है या इनका कोई भी रिश्तेदार, इनका रिश्ता यहाँ से नहीं लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि गरीब लोग हैं। तो आज मैं ये वादा करता हूँ इनको इंशाल्लाह 10-10 मलरे इंशाल्लाह इनको हम दिलाएंगे। बहुत जीती रोजा कन्यारी बोर्ड मसल शायस लैंड ओस छ याते बस आइस वत करीबन करीबन याते अख वो बरी बस मगर लैंड दिसख ना आइस आइस वो तात पर नि मन वनान आइस छ यो वना वकमा वोल येत वछु सयास छ वमर प्रोजेक्ट स मगर अस गए तैम पत गए अस वारन ऑफिसन डी सर्विस नि गए अस गए तमाम नि गए अस तुम वा आज पगह कल के दिवान वो कहेंत पर ना सड़क ना कह पावर इंतजाम नम योर सर बंद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मे नाव नजीर अहमद खो साहब कन्या रोजान मुश्किल नाम आम मतलब गामस मा तम कर बंद ये दपान तुम वो मगर गवर्नमेंटस लैंड लैंड दिवान कहीं गसान दिवान बहुत बहुत डी साहब की डायरेक्शन पे मैं यहाँ पे आया आज कन्यारी का, मैंने दौरा भी किया, जायजा लिया, इनकी कुछ डिमांड्स हैं लेकिन जिससे लैंड का इनका डिमांड है, क्योंकि एरिया तो पहले ये लो लाइंग एरिया है, जैसे बारिश होती है पानी की वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग रहती है, और पीएचई का मसला भी देखा कि इनको पानी के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं है, इस तरह बिजली का मसला भी, तो कुछ डिमांड्स देखी मैंने बिल्कुल जेन्युइन है। इंशाल्लाह मैंने आज थोड़ा सा जायजा लिया, अब डी साहब के साथ मैं टेकअप करूँगा जितना हमसे हो सके। और जो आपने बोला बी डी ओ साहब की बात, मेरे नोट्स में आज ये मसला आया तो मैं बी डी ओ साहब को बुलाता हूँ अपने ऑफिस में, जो रोड का मसला वो भी हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे। इसके अलावा इनके जो मेन डिमांड है वो लैंड को लेके है, हम इंशाल्लाह विद इन कुछ डेज इन आइडेंटिफाई करवाएंगे इनके लिए 80 या 90 किनाल लैंड जहाँ पे ये रेनोवेट हो सके वंस फॉर ऑल, क्योंकि इनके लिए काफ़ी लॉन्ग डिमांड रही है जो कुछ सालों से कि बार बार कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं लेकिन हमारी लैंड का कुछ मसला नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह होपफुली कि हम इनका ये इशू रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये रहा हो तो मैंने जायजा लिया, जैसे आपने बोला पीएचई का मसला है या पावर का मसला है, तो इंशाल्लाह हम लाइन डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करवा देंगे, इनका जो भी मसला होगा वो रिजॉल्व करेंगे। सर आपकी थी आर डी 80-90 किनाल, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई है कि शायद वो फॉरेस्ट लैंड है, तो जैसे वो अगर हमें क्लियर हो जाता है तो अगर
उसके बदले हम कहीं और लैंड आइडेंटिफाई कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।